अभी दो स्वीट खा लिया, बहुत ही अच्छा था ये, स्पाइसी था, अचार बहुत ही बढ़िया था। और पुलियो वगैरह खाया, पुलियो वगैरह तो एकदम परफेक्ट था। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन वंडर्स। जैसे आपको पता है मैं अभी हैदराबाद में हूँ, तो इधर सुब्बैया गारी होटल में बुट्टा भोजन वो बहुत ही फेमस है। मैंने सोचा ये फूड आपके साथ शेयर करूँ कि कैसा रहता है, क्या क्या वेराइटीज़ रहता है, ढेर सारा वेराइटीज़ रहता है। अभी देखेंगे इसमें क्या क्या है और कौन सा वेराइटी है, ये सभी अभी हम लोग देखेंगे। ये बहुत ही डिलीशियस साउथ इंडियन फूड रहता है उसमें। ये बहुत सारा ब्रांचेस है इनका, काकीनाडा से लेके हैदराबाद, आजकल शायद साउथ इंडिया बैंगलोर तरफ भी ये है करके सुना है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या है, एक एक इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। दिस इज द फूड अनबॉक्सिंग है। चलिए अब देखते हैं एक एक। दही और कुरमा लगता है ये तो, पुलाव, पुलियो गरे, और ये खीर है, अचार है, ये स्वीट पोंगल है, दो मैसूर पाक है, पापड़, बैगा सांबार है, दाल है, रसम है, ये तो मूंग दाल से वड़ा बना के बहुत अच्छा रहता है, वड़ा करी बोलते हैं। अभी आया है हमारा टोकरी बाहर, इसको बोलते हैं भुट्टा, तेलुगु में टोकरी को भुट्टा बोलते हैं, इसके लिए इसका नाम भुट्टा भोजनम है, मतलब टोकरी में पूरा लंच। बाप रे, और भी है करेला का फ्राई, अभी भी क्रिस्पी है। वो देखिए केले के पत्ते में जो इतना अच्छा सा पैक किया है, पैकिंग इनका बहुत अच्छा रहता है। उसके नीचे कैबेज और चना दाल का सब्जी, उसके नीचे ढेर सारा चावल। बाप रे, इतना चावल कौन खाएगा, इतना सारा चावल। अभी टोटल ना 16 आइटम्स हुआ है, मैंने गिना है। देखिए कितना अच्छा है, वेराइटीज वेराइटीज ऑफ फूड। अगर ये ऑनलाइन में मंगाया है ना, इसके लिए 16 है, अगर हम लोग उधर जाके खाएंगे ना, कम से कम 32 के ऊपर रहता है। अभी मैंने सारे बॉल्स में निकाल दिया है, एक एक टेस्ट करते जाऊंगी, बहुत बड़ा मजा आएगा। बच्चे भी वेट कर रहे हैं, शूटिंग कब होएगा, कब खाएंगे करके। मैं तो इसको स्विगी ऑनलाइन से मंगाया है, इतना सारा खाना 399 रुपीज़ विथ टैक्सेस 440 कुछ हुआ है, बस इतना चीप है। और इतना वेराइटीज है और बहुत ही मतलब अच्छा खाना है। आप भी ज़रूर कभी ट्राई कर दीजिएगा, अगर हैदराबाद या साउथ साइड पे जब भी जाएंगे, अगर सुब्बैया गारी होटल आपको दिखा तो डेफिनेटली एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। मैं पूरा अभी सर्व कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा एक चम्मच भी डाल रही हूँ तो मेरा प्लेट भर ही जा रहा है। लास्ट में चावल भी डाल दिया, दाल भी डाल दिया। चलिए अब शुरू करती हूँ खाना। अभी दो स्वीट खा लिया, बहुत ही अच्छा था ये, स्पाइसी था, अच्छा बहुत ही बढ़िया था। और पुलियो वगैरह खाया, पुलियो वगैरह तो एकदम परफेक्ट था। अभी मैं थोड़ा पुलाव भी टेस्ट कर लूँगी। पुलाव के साथ जो दिया है, ये मूंग दाल से वड़ा बनाते हैं, उसका करी बनाते हैं, ये बहुत ही टेस्ट रहता है और हेल्दी भी है। ये तो सबका फेवरेट है मेरे घर में, इसको मूंग दाल वड़ा करी बोल सकते हैं हम हिंदी में। और ये ड्रमस्टिक करी तो परफेक्ट मसाले के साथ है। ये टमाटर का दाल है, बहुत ही टेस्टफुल रहता है। यूजली साउथ इंडियन में ज़्यादातर के टमाटर का दाल बनता है। आप भी जब भी हैदराबाद आएंगे या काकीनाड़ा जाएंगे तो विजयवाड़ा वैजाग इनका जिधर भी ब्रांचेस से आप जाते हैं तो ज़रूर ट्राई कर दीजिएगा। ये हम लोग होटल में जाके खाएंगे ना, और भी बहुत सारा वेराइटीज़ रहता है। ये मैंने स्विगी से मंगाया है,
तो जब भी ऐसा होम डिलीवरी रहता है तो थोड़ा वेराइटीज़ कम रहता है, फिर भी टोटल 16 वेराइटीज़ है, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्स सब मिला के 444 रुपीज़ है। बट हम लोग ऑलमोस्ट 4 से 5 लोग आसानी से खा सकते हैं। और चावल का क्वांटिटी देखिए कितना है, चावल तो इतना क्वांटिटी है क्योंकि साउथ इंडियंस ज़्यादातर के चावल ही खाते हैं, और एकदम टेस्टफुल खाना है, बहुत ही बढ़िया है। मैं तो अभी खाऊंगी, मन भर के खाऊंगी, जी भर के खाऊंगी। तो मैंने सोचा ये सारे डिशेस आपके साथ शेयर करूं, और इस डिशेस में आपको कोई भी मनपसंद लगा तो ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। अभी तक कोई सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बाय।